अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके जी, तो ENT के सर्जिकल प्रोसीजर्स में अब हम थ्रोट के शुरू करने लगे हैं। पांच प्रोसीजर्स हमने करने हैं, जिसमें जो पहला कराने लगी हूँ वो है डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। आपको पता ही है, वैसे भी आपने मतलब पहले भी पढ़ा हुआ है अबाउट लेरिंगोस्कोप के, लेरिंग्स को जब हमने व्यू करना होता है, जब हम अंदर के स्ट्रक्चर्स को थ्रोट के देखना चाहते हैं तो हम लेरिंगोस्कोपी करते हैं, ठीक है। फिर उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती है इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, जिसको IDL कहते हैं, बहुत आपने सुना होगा, बल्कि इवन आपकी जो जनरल एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट आती होती है, जो आपके ऑस्पिकेस्टेशन में आती है, IDL उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, वो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के लिए वो जो आपका मिरर होता है ना, छोटा सा जैसा डेंटिस्ट के पास होता है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेट मिरर होता है और उससे आपने देखना होता है। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है आईडियल में, कि उसमें आप ऊपर ऊपर से तो देख सकते हैं लैरिंग्स के स्ट्रक्चर्स को, लेकिन जो आपके हिडन एरियाज ऑफ द लैरिंग्स और थ्रोट होते हैं वो आप बिल्कुल भी व्यू नहीं कर पाते। वो हिडन एरियाज भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास फिर उन हिडन एरियाज को व्यू करने के लिए हमारे पास ये जो दूसरी इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं जिक्र कर रही हूँ, वो है हमारा डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप, ठीक है। ये डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप आपका हम ये इंस्ट्रूमेंट है जो सामने बना हुआ है, इस किस्म का ये शक्ल का होता है, और इसका ये जो आगे वाला पोर्शन है ये आपने अंदर डालना होता है। इसीलिए इस प्रोसीजर को ज़्यादातर हम जनरल एनेस्थीजिया के अंदर देते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको ज़रा सी तस्वीरें दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम इसकी इंडिकेशन वगैरह की बात करते हैं। अब ये वाली पिक्चर आप देखें, इसमें बहुत इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसको, मैं आपको व्यू करीब से दिखाती हूँ। अब सी, ये वो उसका हैंडल है, ठीक है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है दिस इज द हैंडल, और जो अंदर डला हुआ है ना इस तरफ आगे करके, ये उसका ब्लेड है। तो यहाँ हैंडल जो है वो पकड़ता है आपका डॉक्टर, जो भी आपका डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप कर रहा है, लेफ्ट हैंड में वो हमेशा अपनी लेरिंगोस्कोप को पकड़ता है, यानी कि हैंडल को पकड़ता है, और राइट हैंड वो इस्तेमाल करता है होंठों को और जो बाकी चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए। ज़ाहिर है आपने टंग को हिलाना होता है, आपने लिप्स को हिलाना होता है, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए राइट हैंड इस्तेमाल होता है। मतलब ये प्रोसीजर का तरीका है कि आपने लेरिंगोस्कोप हमेशा लेफ्ट हैंड में पकड़नी होती है। इसको आप अंदर तक ले जाते हैं, सबसे पहले आप बेस ऑफ टंग से आगे जाना शुरू करते हैं, और उसके बाद आप इसको आप अपने जो आप आगे लेके जाएंगे लैरिंग्स में, वेलिकुला तक लेके जाएंगे, उसके बाद आपके वोकल कॉर्ड्स आ जाएंगे। अब दो तरह के लेरिंगोस्कोप्स होती हैं, अगर आपके पास वो वाली लेरिंगोस्कोप है जो वोकल कॉर्ड्स में से गुजर के आराम से आगे जा सकती है तो आप आगे जाते हैं, उसको एंटीरियर कमिश्चर कहते हैं। लेकिन अगर वो वाली नहीं है तो आप उधर तक ही रखते हैं और उधर से ही आप व्यू करते हैं, ठीक है। नज़र आपको आगे तक सब कुछ आ रहा होता है। ये देखिए, अगर आप इसको करीब से देखेंगे तो इस तरह से लेरिंगोस्कोप है जो अंदर गई हुई होती है, और यहाँ पर से जो है ना वो व्यू आपको सारा बिल्कुल अंदर का लेरिंग्स का सारा आ रहा होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ज़रूरत है वो यही होती है कि हमने हिडन एरियाज ऑफ लेरिंग्स को देखना होता है किसी भी पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए, या फिर आपने कोई फॉरेन बॉडी रिमूव करनी है, कोई पॉलिप छोटा सा है, कोई छोटी सी और ग्रेनुलेशन टिश्यू है जिसको रिमूव करना है, तो हम डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं। अब इसके लिए जो पेशेंट की पोजीशन है ना वो बिल्कुल इस तरह से होती है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सुपाइन, उसका हेड एंड थोड़ा सा हम एलिवेट करते हैं, मतलब सर के नीचे कोई ऐसी सपोर्ट रखेंगे कि हेड आपका थोड़ा सा एलिवेटेड हो। उसके बाद ये जिस तरह आपको नेक एक्सटेंडेड लग रही है ना, इसको कहते हैं नेक एक्सटेंडेड एट एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। इस तरह से नेक एक्सटेंडेड है और ये लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है ब्रोंकोस्कोप, राइट हैंड से उसने सर पे सपोर्ट दिया हुआ और अंदर ले गया, और अब वो आराम से इससे व्यू कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पोजीशन होती है कि आपने पेशेंट लाइज सुपाइन, हेड एंड एलिवेटेड एंड नेक एक्सटेंडेड एट एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने पोजिशन ऑफ द पेशेंट बिल्कुल ठीक रखी हुई हो, लेफ्ट हैंड में ब्रोंकोस्कोप पकड़ना होता है। उसके बाद इसमें एनेस्थीजिया हम इसीलिए ज़्यादातर जनरल एनेस्थीजिया के अंडर ही इस प्रोसीजर को करते हैं, साथ आपकी जो है वो एंडोटेकल ट्यूब भी गई हुई होती है। और अगर बहुत ही आपने कोई शॉर्ट प्रोसीजर करना है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनमें वर्कअप में जनरल एनेस्थीजिया ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनमें लोकल दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर GA के अंडर ही करते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे तो इस हाथ से, मतलब वही लेफ्ट हैंड से इसने पकड़ा हुआ है और ब्रोंकोस्कोप बेस ऑफ द टंग तक गया हुआ है, ठीक है, और राइट हैंड में इसने दूसरा इंस्ट्रूमेंट सा पकड़ा हुआ है जो टॉर्च टाइप चीज़ है। वैसे तो इसमें लेरिंगोस्कोप में खुद भी रोशनी होती है और उससे वो अंदर से कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता है जो आपका डॉक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो इसके इंडिकेशंस है ना वो आपने बिल्कुल एज इट इज़ याद रखनी, जैसे बुक में लिखी हुई है, कुछ डायग्नोस्टिक और कुछ थेरेप्यूटिक इंडिकेशन है। डायग्नोस्टिक ये होती है कि अगर आपको एक तो IDL करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, IDL आपको पता है इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, IDL कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केसेज में होगी कि अगर बच्चे बहुत छोटा है, कोई बहुत यंग चिल्ड्रन है, तो उन केसेज में आप IDL नहीं कर पाते, या फिर हॉर्सनेस डिस्निया स्ट्राइडर वगैरह को आप डायग्नोज करना चाह रहे हैं। दूसरी इसकी डायग्नोस्टिक इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये कि आपकी IDL करने की कोशिश की है लेकिन गैग रिफ्लेक्स इतना ज़्यादा है पेशेंट का कि वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो अगर गैग है या फिर कोई और मसला है जिसकी वजह से IDL नहीं हो पा रही तो भी हम इसको करते हैं, ठीक है। तीसरी वही चीज़ मैंने आपसे कहा था, हिडन एरियाज ऑफ लैरिंग्स। हिडन एरिया कौन कौन से होते हैं, आपने हिडन एरियाज आपसे अलग से क्वेश्चन में भी आते होते हैं कि हिडन एरियाज ऑफ द जो आपका थ्रोट है उसको या लैरिंग्स को लिखें, तो बेस ऑफ द टंग, वेलिकुला एंड लोअर पार्ट ऑफ पायरिफॉर्म फॉसा। ये मैंने आपको पहले भी जब लैरिंग्स की वीडियोज बताई थी उसमें भी कहीं पर बताया कि बेस ऑफ टंग जो आपको डायरेक्टली नहीं नजर आती,
वेलिक्यूला आपको डायरेक्टली नजर आता है, वेलिक्यूला वही वाला जहां पर फिश बोन्स मिलती हैं, एंड पायरिफॉर्म फॉसा, ठीक है, ये वो वाली जगह है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको आइडियल से नजर आ ही नहीं सकते। इन चीजों को तो आपने लाजमी तौर पे देखना है, ठीक है, मतलब इन चीजों पे अगर आपने देखना है तो फिर आपको डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी ही करनी पड़ती है। और कोई भी फिर थेरेप्यूटिक कंडीशंस का मतलब ये होता है कि आपने कोई ग्रोथ को छोटी मोटी रिमूव करना है, किसी फॉरन बॉडी को रिमूव करना है, तो ये, या फिर आपके कोई लेरिंग्स में कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारे जिस तरह बुक में लिखे हुए हैं उस तरह आपको याद करनी है। और उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो वो पूछते हैं आपसे जो इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि सर्वाइकल स्पाइन का कोई भी मसला होगा तो ये नहीं करना, क्योंकि हमने इस केस में डीएल की पोजीशन में नेक को एक्सटेंड किया हुआ है एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे, तो अगर सर्वाइकल स्पाइन में कोई इशू चल रहा है तो हम नेक को एक्सटेंड करें, हो सकता है वो टूट ही जाए, अंदर से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो, पेशेंट की टेबल डेथ हो जाती है, तो बहुत ही एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नहीं करते होते। एनेस्थीसिया बता दिया, पोजीशन बता दिया, मेन स्टेप्स मैंने आपको बता दिया कि आईडी वो लेके अंदर जानी है और उसके बाद सारा कुछ व्यू करना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ज्यादातर ये हो सकती है कि आपने अगर सही तरह से हैंडल नहीं किया ना तो आपकी टीथ को डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले अपर टीथ जो होते हैं ना, ऊपर वाले दांत, उनके ऊपर गॉज पीस रखना होता है कि वो डैमेज ना हो जाए, और साथ ही हमने होंठों और टीथ को, लिप्स और टीथ को देखना भी होता है, तो टीथ पे डैमेज हो सकता है, लिप्स पे डैमेज बहुत कॉमन है, सही तरह नहीं किया जाएगा तो अंदर थ्रोट में, फेरिंग्स में किसी जगह भी डैमेज हो सकता है, तो ब्लीडिंग इन सब एरिया से हो सकती है, इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है। जो मेन चीज आपने इसमें याद रखनी है कि इसका प्रोसीजर, क्योंकि बहुत कॉमनली होने वाला एक प्रोसीजर है ये भी डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, तो इसकी आपने इंडिकेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन को याद रखना है, पोजीशन को याद रखना है। बात खत्म, किसी कोई मसला हो, यू कैन आस्क मी, थैंक यू।